हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवोपाध्याय बाइबल क्लासेस के इस क्लास 9 का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने कुछ लेक्चर देख रखे हैं और आई थिंक आज हम लोग शुरू करना चाहेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। दोस्तों हम अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्यों हमने शब्द का यूज किया या क्यों ये आया, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आखिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ने की वजह क्या है। हम तो नॉर्मल सेल पढ़ ही रहे थे, हम तो रॉबर्ट हुकर देख चुके थे, रॉबर्ट ब्राउन देख चुके थे, पुरकिंजे साहब को देखे थे, रुडोल्फ वर्चू को देख चुके थे, स्लाइड एंड सॉन को देख चुके थे। तो फिर व्हाट इज द नीड फॉर द स्टडी ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? सो द नीड इज दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन आपके सेल में, मैंने तो समझा कि चलो सेल सबके पास है, हमारे शरीर में सेल है, स्मॉलेस्ट एनिमल्स में भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब न्यूक्लियस हमारे सेल में है तो हमारे पास न्यूक्लियस हमारे सेल में है क्या, किसी दूसरे प्राणी के शरीर के अंदर पाए जाने वाले सेल्स में न्यूक्लियस है कि नहीं, और न्यूक्लियस है या उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, यानी उसके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसको स्टडी करना शुरू किया। हमने लिखा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को आधार बनाते हुए हम लोगों ने ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक शब्द अभी आप जो देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है बोर्ड पे प्रोकैरियोटिक नहीं शब्द प्रो, दैट इज द फॉल्स या बिफोर कह सकते हैं, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में टू न्यूक्लियस ना हो, यानी फॉल्स न्यूक्लियस हो। अच्छा ये क्या है, यानी उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, एक कोई अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट को न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लोइड का यूज नाम दे देंगे, कोई भी उसके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स नहीं होंगे, यानी ना तो प्लाज्मो कह सकते सॉरी माइटोकांडिया में, ईआर में, लाइसोसोम में कोई भी बाहर की बाउंड्री नहीं होगी। जैसे होता है कि ये बहल्ला टाइप के हो गए, जैसे होता है दो बच्चे, एक बच्चा है, एक बच्चे के घर में बहुत सारा प्रतिबंधित है कि ये काम करना, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, तो वो रुका हुआ है, बाउंडेड है। लेकिन एक ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर किसी का रोकथाम नहीं होता, जब मन करे जहां मन करे जैसे मन करे दे कैन वॉक, घूम सकते हैं। तो ऐसे जहां मन करने घूमने वाले जिस पे कोई बाउंडेशन ना हो, हम रखते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर का, समझ में आ गया, यानी ये फ्री है, आजाद है, आजाद हाउस बन गए, इनको किसी से कोई वास्ता है नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं, किस कदर जा रहे हैं, आई डोंट माइंड, दे कैन गो, दे कैन मूव, दे कैन वॉक एनीथिंग। तो ये तमाम चीजें जिस पर किसी बाउंडेशन की जरूरत ना हो, यानी कोई बाउंडेड परत ना हो, लेयर ना हो, कोई उनके साइड में एनवायरमेंट ना हो इनको प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे चीजों को हम लोग रखते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक केसेस में। देखेंगे इसमें दो चार पॉइंट लिखेंगे, समझेंगे तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। जो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहां से आप जाकर के ज्वाइन भी हो सकते हैं, नोट्स भी मिलेगा आपको वहां से। देखेंगे इसमें हम समझेंगे कि भाई अगर ये है तो सिंपल बता देंगे कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक ही सेल का होगा, क्यों प्रोकैरियोटिक के केसेस में आ रहा है, ठीक है ना। आगे इसमें बता देंगे भाई इसमें क्या होगा, लैक ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, काफी कैसे होंगे ये प्रिमिटिव होंगे, पुराने होंगे, यानी पुराने समय का होगा, है ना प्रिमिटिव, इसीलिए से मैंने कहा ना प्रिमिटिव, आगे देखेंगे प्रिमिटिव होगा, यानी इसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन किसका होगा, प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो काफी पुराने समय का होगा, यानी बहुत ही प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये हो गया, फिर देखेंगे इसमें बता देंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड न्यूक्लियर, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आपको देखने को मिलेगा, और उसी का नाम क्या पड़ जाता है, अभी मैंने आपसे बताया था अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ड्यू टू, ये ऐसा क्यों होगा, लिख लेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब भाई उसके पास न्यूक्लियस पर कोई मेम्ब्रेन चढ़ी ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कोई डिफिनेट शेप साइज कुछ है ही नहीं, उसी का नाम क्या दे दिया मैंने, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। यानी अगला बात बताने गया इसमें कि जो इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे अगर पूछा कौन सा, तो बता देंगे इसमें लाइक माइटोकांडिया, आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी, माइटोकांडिया हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं इसमें कंप्लीटली क्या होते हैं, सब एब्सेंट होते हैं। चाहिए तो इसमें कौन लिख लेंगे, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस कहां से रहेगा, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके अंदर वाला न्यूक्लियोलस होना तो कोई लाजमी की होगा ही नहीं, वहां पर समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो लिख लेंगे इसमें एग्जाम्पल में यहां पर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ आ गया, ये आपके हो जाएंगे एग्जाम्पल। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत आसान भी है। दूसरा देखेंगे इसमें हम लोग यूकैरियोटिक, उसकी बात करेंगे भाई यूकैरियोटिक सेल्स, नाम ही से क्लियर है, यहां पर देख लीजिए यू मतलब होता है ट्रू, यू मीन्स क्या होता है ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी हम कह सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस सेल्स में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होगा, टू न्यूक्लियस होगा, सत न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत आसान है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा यहां पे, जेनेटिक मटेरियल आपको जो होगा, जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा टू और मोर लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल इन, कहां पर होगा ये, इन न्यूक्लियस, यानी यहां पे वहां पे प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन दो या दो से ज्यादा लीनियर डीएनए होंगे यहाँ पर, जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, समझ में आ गई इतनी बात है। अगली बात यहाँ बता सकते हैं क्या, मेम्ब्रेन, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं था, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स फाउंड होंगे, पूछेगा कौन कौन से बता देंगे, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लिख लेंगे यहां पर क्या ईआर जो वहां पर नहीं था, फिर लिख लेंगे लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंड न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें आपको क्या हो रही है यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पाई जाती है, ठीक ना। अब एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा बहुत आसान है, बता देंगे वही सब चीजें, प्लांट से लगा दीजिए, प्लांट से ले लीजिए, एनिमल से ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, आपको कुछ प्रोटोजोआ भी देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीजें किस में आ जाती है बेटा, यूकैरियोटिक में आती हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, न्यूक्लियस का आधार लेकर के बता देंगे तो आसान हो जाएगा, एग्जाम्पल दिमाग में रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएगी। अगर यहीं पर मैं इसको बात अगर करता हूँ इस तरह में देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि अगर बहुत ही अगर तुमसे पूछ ही लिया जाए भाई कि चलो बताइए प्रोकैरियोटिक में, यहाँ पर अगर मैं इसे बता देता हूँ कि देखेंगे कि जो अगर प्रोकैरियोटिक होता है, और यहाँ पर अगर मैं बता दूँ यूकैरियोटिक होता है, जनरल बात बताता हूँ, तो इनकी साइज कितनी होती है बेटा बता दूंगा 1 से 10 माइक्रोन मिलीमीटर बता दूँ, ठीक ना। यहाँ पर 5 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक ना। यहाँ पर अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये तो पता होगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मोर देन वन लीनियर डीएनए मिलेगा, जो अभी मैंने आपसे बताया है। यहाँ पर आप बता देंगे क्या न्यूक्लियोलस क्या था एब्सेंट था, यहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बता देंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो जितनी भी निचोड़ आपने यहाँ पर पढ़ा उसका निचोड़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है। तो इसका संसार लीजिए फिर आगे बताता हूँ। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे सेल शेप। आप जानते हैं कि सेल शेप हमारे शरीर में उसका कोई शेप नहीं होता है, WBC का अलग होगा, कहीं ओवल होगा, कहीं आप देखेंगे नर्वस सिस्टम वाला स्ट्रक्चर होगा, कहीं लॉन्ग होगा, तो ये क्यूबॉइडल होगा, तो अलग अलग शेप्स को देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देख लेंगे, बहुत इजी है। इसमें देखिए इसमें बता देंगे कि शेप में क्या होता है बेटा, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा वेरिएशन होगा। कहीं पर आपको ये स्पिंडल शेप में मिल जाएंगे, ठीक ना, स्पिंडल में देखने को मिलेगा, किसमें मसल सेल्स में आपको देख सकते हैं, ठीक ना। वहीं पर आप देखिए तो इलांगेटेड ले लीजिए, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, किसमें हो जाएंगी नर्व सेल में मिल जाएगा, ठीक ना। या फिर आप बता सकते हैं कहीं पर ओवल शेप आपको देखने को मिल रहा है, बता देंगे किसमें आरबीसी में हो जाएगा, या क्यूबॉइडल मतलब ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई पड़ता है दैट इज द क्या हो जाएगा ये क्यूबॉइडल। ये क्यूबॉइडल कहां पर मिलेगा, ये हो जाएगा आपका जर्म सेल, और जर्म सेल कहां पर होता है ये अस्पॉम्स एंड ओवम में आपको देखने को मिलेगा, यानी मेल जर्म सेल जो होते हैं जिसमें मेल गैमेट अस्पॉम और फीमेल में ओवम जो होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है यहां तक। या फिर मैं अगर बता दूं ब्रांच्ड आपको मिल जाएंगे, कहीं पर ब्रांच्ड सेल मिलेंगे, ब्रांच्ड सेल, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं किसमें ऑस्टियोसाइट, यानी जो हड्डियों में आप देखेंगे हड्डी के भीतर आप देखेंगे तो ये जो पाया जाता है जिस पदार्थ से उसी को क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट स्ट्रक्चर, आप देखेंगे ब्रांच सेल में ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी शरीर में हमारे सेल्स पाए जाते हैं ब्रांच ऑस्टियोसाइट में, क्लियर है यहां पर। फिर देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं बेटा सम हैव नो फिक्स शेप, ऐसे भी कुछ मिल जाएंगे जिसके पास फिक्स शेप नहीं है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सा तो बता देना अमीबा में, इसमें अमीबा में, और एक बता देंगे किसमें ल्यूकोसाइट, ठीक ना। ये दो ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके कोई भी प्रकार के आपको शेप साइज फिक्स नहीं है, तो बहुत छोटा है सेल शेप, 2-4 आप दिमाग में रख लेंगे बाकी इसको आप बना लेंगे। तो ये तो इसमें आप बता भी देंगे किस तरह से, देखो जैसे मान लो कि यहां पर मैंने यहां पर इसे बना देता हूं, देखो ये हो जाएगा हमारा फैट सेल, चर्बी ये फैट सेल, ठीक ना। फिर यहां पर आप देख सकते हैं क्या
ये आपका हो जाएगा क्या भैया, कार्टिलेजेशन, ठीक ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का ओवम सेल, क्या बोलते हैं इसको, ओवम सेल, गुड बेटा गुड, ओवम सेल। फिर यहाँ पर आप देखेंगे बोन सेल, है क्या है, बोन सेल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओवल शेप में आ जाएगा क्या ये, इसको बोलते हैं क्या आरबीसी वाला भाग, ठीक ना। इस तरह से आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर देखेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल्स सेल। तो आप जानते हैं कि एक हो जाएगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो हम बता देंगे क्या, नर्व सेल। ये हमारा हो जाता है नर्व सेल, नर्व सेल। क्या इतनी बातें आप समझ में आ रही हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे सेल में, हमारे शरीर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो अलग अलग शेप साइज में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात। अब एक छोटा सा भाग और मैं बता देता हूं, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। सेल साइज अगर आपसे पूछेगा कोई कि भैया सेल साइज क्या होता है, सेल शेप तो समझ में आ गया, कौन कौन से आकार में होते हैं, कौन कौन से रूप ढंग में पाए जाते हैं। आदमी को ले लो, जैसे आदमी है तो आपको कैसे मिलते हैं, कोई काला गोरा नीला पीला जुगनी ऐसे रोग मिलते हैं, कोई कोई बिल्कुल स्लिम होता है, कोई कोई मर पेट वेट इतना बड़ा निकला रहता है, दरवाजे से घुसना हो तो चार छह आदमी उसको पुश करते हैं तो वो निकल पाते हैं, कोई कोई बहुत ही लुकिंग स्मार्ट होता है। तो ऐसे जो रूप ढंग आकार बनावटी जो मॉर्फोलॉजी दिखाई पड़ती है, ऐसे शरीर में हमारे सेल्स भी हैं, सबका अपना अलग अलग रूप ढंग है। देख ही सकते हैं यहाँ पर वेरिएशन क्या है, जो मैंने पहले लिख दिया था वेरिएशन, तो वेरिएशन आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा साइज। देखिए अगर आपसे पूछेगा कोई स्मॉलेस्ट साइज, क्या ये स्मॉलेस्ट साइज, तो आप बता देंगे किसको, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक नाम से और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका पूरा शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे पीपीएलओ। ये पूछा जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा, पीपीएलओ क्या है, क्या रेंज है इसका बताना चाहिए तो बता देंगे यहाँ पर 0.1 से लगा देंगे 0.5 माइक्रोन मीटर, ये इसका हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कोई कि बैक्टीरियल सेल क्या है, तो बैक्टीरियल सेल में बता देंगे भाई कितना होता है, 0.5 से लगा देंगे 5 मिलीमीटर, समझ आएगा। हम लोगों का आरबीसी यानी ह्यूमन का आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, इसमें भी आप लगा सकते हैं कितना, 7 से लगा कर 20 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। हम लोगों का लीवर सेल जो है यानी ह्यूमन लीवर एंड किडनी दोनों के बाद मैं कर रहा हूं 20 से 30 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। और अगर नर्व सेल अपनी हम बात करें, नर्व सेल तो सबसे बड़ा 90 से लगा करके 100 सेंटीमीटर इन साइज। क्या मामला आपको समझ में आ रहा है, किस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो साइज वाला दो चार पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। अगर अगर पूछा जाएगा नॉर्मल कौन सा होता है, तो ऑस्टिच का यक जो होता है ये भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेल ऑस्टिच यक, यहाँ पर लिख लेंगे ऑस्टिच एग, ये बिग होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ होता है। शरीर में आप देख सकते हैं किस तरह से स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा आ गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरियल सेल का साइज क्या होता है, ह्यूमन लीवर सेल और किडनी का क्या होता है, नर्व सेल का क्या होता है, ह्यूमन के आरबीसी का साइज 7 से 20 मिलीमीटर होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हम कह सकते हैं सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, वेरी करता है। तो वो चीजें आपको देखने को यहाँ मिल सकती है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात जो थी मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, ज्यादा सेशन बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा ही करूंगा, अब इतना हम रखते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी एक अच्छे ही नए टॉपिक में, इसे के आगे हम देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना आप लोग पढ़िए, इसके साथ ले लीजिए, बढ़िया से नोट्स अपना जबरदस्त तरीके से बनाया करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा,
ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। समझिए, सुनिए, समझिए, खुद से बेहतर तरीके से नोट्स और बढ़िया बनाइए, ठीक है ना। वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना। तो अगले बहुत बहुत धन्यवाद।